हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए, मैंने घर पे ना थोड़ा सा ट्रिमिंग किया है, घर ही किया है। तो बाल ना एकदम ऐसे ऊपर नीचे वाकड़े तिकड़े ही झाले होते। सो थोड़ा सा ऐसे नीचे से ना एक ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लेके, जो नीचे के इतने इतने बाल थे मैंने कैंची से ऐसे काट दिए, देखिए। और शॉर्ट कर दिया हेयर कट, यानी अभी प्लंट कट जैसे हो गया ये। पहले स्टेप कट, लेयर कट जैसे दिखता था, अभी देखिए कैसे दिखता है। और अभी ना प्रॉपर वो जो स्ट्रेटनिंग स्मूदनिंग के बाल थे ना, वो पूरे के पूरे निकल गए। ये मेरे ओरिजिनल बाल है, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेरे ना इतने लंबे बाल थे। और मैं गई थी नांदेड़ सिटी में स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए, उन्होंने मेरे पूरे बाल जला दिए। तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है वो रिकवरी के लिए लगा है। तो अंदर के बहुत सारे बाल जल गए थे, जो अभी अभी फिर से रिपेयर होके नए आए हैं। ये देखिए, ये सब नए बाल हैं अभी, नहीं तो अंदर के पूरे बाल जल चुके थे ये यहाँ के। फिर यहाँ से भी ना बहुत जल गए, तो उस वजह से टक्कल जैसे दिखता था, अभी नहीं दिखेगा, देखिए। तो मैंने थोड़ा सा आज घर पे ऐसे ट्रिमिंग किया है, अभी हेल्दी दिख रहे, देखिए। ये मेरे ओरिजिनल बाल है, ऐसे मेरे बाल हैं, इसमें मैंने कुछ स्ट्रेटनिंग वगैरह, ये जो लेंथ है अभी मेरे सर पे, उसमें कुछ भी स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं है, ओनली बोटॉक्स किया था। तो बोटॉक्स तो एक ट्रीटमेंट है फॉर हेल्दी हेयर्स। ओके, तो चलो आज मैं अभी बना रही हूँ, देखिए। ये मैंने रिलायंस स्मार्ट से ना कुछ पापड़ी लाई थी, देखिए दिखाती हूँ अभी आपको। इसको मुझे आज उपवास है, तो मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। ऑयल को ज़्यादा सोक करने के लिए मैं कभी भी कोई ऑयली चीज़ करती हूँ ना प्रिपेयर, तो एक टिश्यू पेपर रख देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर रख देती हूँ। उस वजह से क्या होता है, जो वो ऑयल होता है वो सोक हो जाता है, प्रॉपरली सोक हो जाता है। सारखे माझ्या मागेच असतात दोघं। ये देखिए, इस तरीके से ये पापड़ी है, ये रिलायंस मार्ट से लाई है मैंने, बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है। पिछले सोमवार के उपवास के लिए मैंने ये लाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी ये, तो मैंने फिर से कल जाके लाई। लेकिन अभी वहाँ पे भूगा हुआ है, यानी ऐसे टुकड़े 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 झाले, फिर भी मैंने ऐसे खोज खोज के अच्छी वाली लाई, क्योंकि अच्छी है ये। 35 रुपीज में इतनी 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 सारी मिलती है, ये देखिए। बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।
तो सुबह मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी और अब मैं ये खाने वाली हूँ। साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है। कल ना मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, वो मुझे पर्सनली मिलने के लिए घर पे आए थे, यानी वो फेसबुक फ्रेंड है एक्चुअली। तो वो कल घर पे आए थे, उनको मेरे वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बोले कि मुझे पर्सनली आपसे एक बार मिलना है। तो घर पे आए थे और इतनी बड़ी कैडबरी लेके आए हैं, बहुत ही बड़ी कैडबरी लेके आए थे, दिखाती हूँ आपको। फ्रेंडशिप डे की वजह से वो कल मिलने आए थे मुझे, तो बोले कि पर्सनली मुझे एक बार आपको मिलना है। इतने स्वीट थे, उनका भी यानी ट्रेकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो भी बहुत ही अच्छी शूटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने वो उनके भी वीडियोस बनाते हैं, यानी वो मैं भी उनके वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब फेसबुक पे, बहुत अच्छे वीडियोस रहते हैं उनके भी। सब्सक्राइबर है वो, बोल रहे थे कि मैं आपके हर एक वीडियो को लाइक देता हूँ और एक वीडियो को देखता हूँ। तो चलो अब ये पापड़ी खाने वाली हूँ आज मैं। गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए, ये है पापड़ी, गर्मा गर्म पापड़ी, बहुत अच्छी टेस्टी है। तो यहाँ के रिलायंस मार्ट में मैं इस पापड़ी लेने के लिए जाती हूँ। घर पे भी बनाती हूँ मैं,
इतनी टेस्टी नहीं बनती। तो मेरे सब्सक्राइबर ने कल फ्रेंडशिप डे था तो मिलने आए और गिफ्ट जो लाया था ना वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो उन्होंने ना घर पे आए थे तो मिलने के लिए, तो ये कैडबरी मेरे लिए लेके आए थे फ्रेंडशिप डे की वजह से। कौन सा रोस्ट आलमंड है, डेरी मिल्क की रोस्ट आलमंड कैडबरी, ये लेके आए थे वो। इंस्टॉलेशन वॉशिंग मशीन का हो गया है, मैंने अपने अर्बन क्लैप से ही करवा लिया है इंस्टॉलेशन इसका। 399 रुपीज़ लेते हैं वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन करने के लिए। थम्सअप आणला मी। बाय रे पिलू। आत्ता सकाळी उठून मी वायपण भारी देवा बघितला, दोन मूवीज बघितले एकूण काल रात्री। चार्ली 777 बघितला, तो एका डॉग वरती मूवी आहे तो बघितला, आणि सकाळी बाई पण भारी देवा बघितला। त्याच्या आधी तो कुठला रॉकी और राणी बघितला, त्याच्यानंतर तो जान्हवी कपूरचा नवीन आलेला तो बघितला, त्याच्या आधी सारा अली खानचा जो आला आहे तो बघितला, सगळे मूवीज बघून झाले। तर सारखे माझ्या बरोबरच असतात, मी उठले की उठतात, मी झोपले की झोपतात, मी या खोलीत की ते या खोलीत येतात दोघं। चला, तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा। बाकीची काहीच खरेदी केली नाही मी, मोठी खरेदी केली एकदम, वॉशिंग मशीन बस, जेवढे पैसे होते सगळे घालून बसली। चला, लव यू ऑल, बाय। माझं मशीन।